सो गाइस, बेसिकली मोशन ट्रैकिंग एक ऐसा इफेक्ट है, इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर आपके वीडियो या फिर फुटेज के अंदर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर पर्टिकुलर एक कोई भी चीज़ है जो एक वीडियो या फिर फुटेज के अंदर कुछ भी मूवमेंट कर रही है, तो उसी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, उसी स्टाइल से, उसी मूवमेंट से अगर कुछ भी आपको उसके ऊपर एक इमेज या फिर कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ भी अगर आपको अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि वो भी उसी मूवमेंट के ऊपर उसी तरह की रिएक्ट करे, तो आपको एक मोशन ट्रैकिंग को सीखना पड़ेगा गाइस। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपने ये इफेक्ट देखा कहाँ होगा, तो बेसिकली कोई भी अगर आप बड़ा यूट्यूबर ले लो तो उसके मोन्टाजेस ज़्यादातर जो कि TDM मोन्टाजेस रहते हैं उसके ऊपर, मतलब जो कि कंटेनर रहते हैं एंड उसके ऊपर आपको लोगो देखने को मिलते हैं जो कि साथ साथ रन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सैंपल क्रिएट करा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, कंटेनर के साथ साथ पूरा मेरा लोगो भी साथ साथ चल रहा था, और इसी को कहते हैं मोशन ट्रैकिंग गाइस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लोगो की जगह टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ हमारी नोट वीडियो एप्लीकेशन की एकदम प्रो सीरीज चल रही है, तो अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोट वीडियो के और भी ज़्यादा एप्लीकेशन के और भी जो भी हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएगी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मोन्टाज एडिटिंग की अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो। वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देते बिना किसी बकवास के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फुटेज की जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो आपको काइनमास्टर के अंदर यहाँ पर आकर कैप्चर एंड सेव कर लेना है, ताकि वो उसका आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाए। उसके बाद आपको अपना पिक्सल लैब ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और अपना वही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ताकि हम बाकी की चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम क्या की फ्रेम वाली सारी चीज़ें करेंगे, तो गाइस ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। लेकिन आपको यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर ये इफेक्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में आपके नोट वीडियो से रिलेटेड काफ़ी लोगों की दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा लैग करता है, तो मैं ज़्यादा उसमें क्रिएट नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें हम बाहर क्रिएट कर सकते हैं हम वहाँ पर कर लेंगे। तो गाइस, आपको यहाँ पर अपना लोगो इंपोर्ट कर लेना है, और इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कर देना है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसको कंटेनर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके बाद अभी यहाँ पर आपको 3D रोटेट नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसको एक्स एक्सेस को आपको ऊपर नीचे करोगे, मतलब आगे पीछे करोगे तो ऊपर नीचे होगा, और वाई एक्सेस को अगर आप टर्न आउट कर दो तो आप देख सकते हैं इसको लेफ्ट और राइट की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट वाली मूवमेंट ही चाहिए, वर्टिकल हमें नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, और रखने के बाद आप देख सकते हैं इसको मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ तो ये हमारे एकदम पीछे का, मतलब बैकग्राउंड मैच कर जानी चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड जिस भी एंगल में है उस एंगल में हमारी इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब मैं कहीं पर भी कंटेनर पर रख रहा हूँ तो ये सूटेबल है, इसका एंगल सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इसकी शेडो दे देनी है, और यहाँ पर आपको शेडो में जाने के बाद आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट देनी है, और इसकी ब्लर रेडियस आपको बढ़ा देनी है। तो मैं यहाँ पर वाइट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट रख रहा हूँ। गाइज, आप अपने लोगों के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको बड़ा यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली कर देना है, और यहाँ पर सेंटर में लेके आ जाना है अपने हिसाब से। ज़्यादा कुछ सेंटर का भी मैं आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना है, और उसके बाद इसको कर लेना है सेव। और सेव करते टाइम आपको याद रखना है गाइस कि इसको आप हाई सेटिंग पे रखें, मतलब हाई नहीं, आपको रखना है अल्ट्रा पे, ठीक है, अल्ट्रा पे रख देना है, उसके बाद सेव कर लेना है। और नोट वीडियो की एप्लीकेशन यहाँ से आपको कर लेनी ओपन। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको न्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर प्रीव्यू रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसको 25% कर देना है, ताकि हमारा जो भी एडिटिंग है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके बाद आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जिसके ऊपर आप ये रन कराना चाहते हो, ठीक है। तो याद रखना वो सारी स्लो मोशन एंड वो छोटी सी क्लिप आपको पहले से क्रिएट करके रखनी है किसी भी काइनमास्टर में, जहाँ पर भी आपने करी हो, ठीक है, वहाँ पर करने के बाद इसको इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए गाइस, आपको लेफ्ट साइड के अंदर ट्रांसफॉर्म एंड ऑडियो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिटेड ऑफर फ्री ट्रैकर देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल ये लिमिटेड है, बाद में आपको पता ही क्या जुगाड़ करना है, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर ये मोशन ट्रैकर यहाँ पर आ चुका है, बस इसको एनालाइज करना है, और ये अपने हिसाब से पूरा एनालाइज करता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ये अपने हिसाब से वो उस पॉइंट को एनालाइज कर रहा है, लेकिन हमें वो वाला पॉइंट तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं रखना, तो हमें क्या करना है इसको कर देना यहाँ से क्लियर, ठीक है।
तो क्लियर कर देना है, और फिर यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास पे ऊपर जाने के बाद आपको उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको याद रखना है वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे उसी तरह के पॉइंट आपको क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ये बीच के सेंट्रल लाइन को, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ रखूँगा ताकि थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट हो तो भी हमारा लोगो बाहर ना जाए, ठीक है। और ये ज़्यादातर स्मूथ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फुटेज कितनी स्मूथ है, ठीक है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे पिक, इसको मैं यहाँ पर पिक कर लूँगा। और पिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ से मैं इसको रन कराऊँगा स्टार्टिंग से, और इसको एनालाइज़ कराना स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं अब वहाँ से पूरा एक ये ट्रैक कर रहा है, ठीक है, पूरे मोशन को यहाँ से एक ट्रैक कर रहा है। तो इसने कम्प्लीटली ट्रैक कर लिया गाइस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ट्रैक होने के बाद भी यहाँ पर अटक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपकी फुटेज स्मूथ है। अगर आप चाहें तो इसको एनालाइज वाला बटन यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर से आगे की फुटेज भी आप एनालाइज करवा सकते हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा करना है, जितनी भी बार अगर आपका स्टॉप हो रहा है उसका मतलब उससे ज़्यादा इसकी फुटेज स्मूथ नहीं है। तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेकंड तक हमारी फुटेज ज़्यादातर स्मूथ है, तो हम 3 सेकंड की यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको 5 सेकंड की पूरी फुटेज को यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये कंप्लीट हो जाती है पूरी येलो लाइन, तो ये आपकी पूरी फुटेज की स्मूथ कर दी है, ठीक है। मतलब स्मूथ तो नहीं होती लेकिन ये उसको पूरा एकदम एनालिसिस कर दिया। तो आप देख सकते हैं पीछे का एकदम स्मूथ है, और यहाँ पर 3 सेकंड के बाद की जो है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो हम 3 सेकंड के बाद का यूज़ नहीं करेंगे, इसके आगे का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है, ठीक है, एनालाइज कर दिया है सॉरी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कोई टेंशन मत लो, यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाओ और अपना लोगो इंपोर्ट कर लो जो कि हमने पिक्सल लैब से क्रिएट करा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपको इसको वीडियो को दोबारा से देख लो, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत ये एप्लीकेशन न्यू है इसलिए हमें बस इतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो काफ़ी लोग यहाँ से इसको छोटा करते हैं, तो इसको इस तरह से छोटा नहीं करना गाइस, याद रखना, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट की पूरी थीम के ऊपर है, तो ये पूरा कैनवास को यहाँ पर हिला देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है ट्रांसफॉर्म में, और स्केल को यहाँ पर से आप अपने हिसाब से भी कम कर सकते हो, और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ एकदम स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर स्क्रॉल करके इसमें पूरी चीज़ें करता हूँ, तो आप भी स्क्रॉल करके ही करिएगा ताकि ये आसान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पोजीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट वाली मूवमेंट होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर छोटा कर दूंगा, और आप अपने हिसाब से अब समझ चुके हैं कि ऊपर नीचे करने से ये मूवमेंट या फिर बड़ा या छोटा क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट, आपको जहाँ पर भी इसको रखना है वहाँ पर रख दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ ताकि मैंने जो भी यहाँ पर मोशन ट्रैक करें उसी के ऊपर मैं इसको ला सकूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी इमेज का जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड है, और यहाँ पर हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, हमारी इमेज को भी 5 सेकंड का करना है। तो हम इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर नीचे का आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको 10 सेकंड की जगह इसको 5 सेकंड का कर देना है। अब गाइस आपको हमें यहाँ पर इमेज के ऊपर हमें इसको मोशन ट्रैकिंग को लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालाइज करा है, वहाँ पर अप्लाई टू टारगेट पे आ गए नन लिखा हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इमेज को चूज़ कर लेना है, और नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल अब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम इमेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म के पास में कुछ भी यहाँ पर एक आइकन नहीं बना, लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, देख सकते हैं वीडियो के अंदर आने के बाद अप्लाई करेंगे और वापस से हम जाएंगे इमेज के अंदर, तो आपको ये छोटा सा आइकन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये अब मोशन ट्रैकिंग हो चुका है गाइस, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोशन ट्रैकिंग तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक चीज़ होगी कि ये 5 सेकंड आप देख सकते हैं ये धीरे 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 यहाँ पर कम्प्लीटली हो रहा है। तो दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रूट वाले पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रेंडर मोड को ऑल लेयर कर देना है ताकि आपको सारे लेयर यहाँ पर रेंडर हो जाए और एक साथ ये मोशन ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगा इस। तो जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ और अब इसको मैं प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। सो गाइस फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट क्रिएट हो जाने के बाद आपको लेफ्ट बॉटम साइड के अंदर आपको एक एरो देखने को मिल जाएगा, उस एरो को प्रेस करने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको रेजोल्यूशन चेक कर लेना है कि फुल HD रखना है या फिर HD, उस हिसाब से यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर सेटिंग कर देने हैं। लाइक यहाँ पर मैंने जब भी एडिट करता हूँ तब मैं रेशो छोटा रखता हूँ, और एक्सपोर्ट करने टाइम यहाँ पर रेजोल्यूशन को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि एकदम स्मूथ एडिटिंग हम कर सके, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दोबारा से एक बार वो क्लिप दिखा देता हूँ।
सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप इसको स्काई ग्लो, उसके बाद कलर करेक्शन और भी मतलब बीट इफेक्ट सारे इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, वो आपके अपनी मर्जी है। लेकिन इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान था, जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं नोट वीडियो से रिलेटेड और भी ज़्यादा कंटेंट आए तो यार मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताया करो। और यहाँ पर मैंने जीरो टू हीरो वाली पूरी अपनी भी एक चल रही है सीरीज, ठीक है, जैसे एमलेट वाई की चल रही है ना, मतलब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर सारी चीज़ें अपनी भी चल रही हैं। लेकिन अब अपन के पास तो कोई पीसी वीसी है नहीं, लेकिन आप सब सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले एंड्रॉयड के ऊपर, और ये आप इसको अपना गरीबों वाला यार आफ्टर इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी अगर कोई भी इफेक्ट सीखना है तो मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, हम ज़रूर ट्यूटोरियल लाएंगे। और मोंटाज एडिटिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल आते ही रहेंगे इसी तरह से। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो कर लो झड़प से, ठीक है, झड़प से, सॉरी यार गुजराती आ जाता है अपना, मतलब दिल से है ना, क्या करें, मतलब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।